सर मौजूद हैं, सर से थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सर क्या चल रहा है फिलहाल? सबसे पहले तो आपके जितने भी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी सिविल डिफेंस की टीम है और मैं डिविजनल हेड ऑफिसर हूँ सिविल डिफेंस में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मकर संक्रांति में अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे आ रही है और लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है और लोग स्नान कर रहे हैं गंगा यमुना सरस्वती की। इस गंगा की जो यहाँ पे एक तहजीब है उसी के तहत यहाँ पे स्नान चल रहा है, माघ मेले का महीना चल रहा है और लाखों लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। सिविल डिफेंस मुख्य रूप से ये सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति को कोई भी असुविधा ना हो, जैसे कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पे नहा रहे हैं तो चोरी की कोई घटना ना घटित हो। साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी गलत फोटोग्राफी घाट पे ना किया जाए, क्योंकि वहाँ पे लेडीज़ बच्चियाँ सब चेंज करती हैं कपड़ों को। और ये भी देखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं जो घाट में अगर बत्ती दिया जलाते कई लोग के पैर जल जाते हैं, तो वो भी सब सुनिश्चित किया जा रहा है। और कोविड प्रोटोकॉल उतना तो संभव नहीं है इतने भीड़ में हर जगह सर, जैसे कि ये कोविड डेस्क भी बनाया गया। देखिए कोविड डेस्क एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसे कि महामारी बीती है और ये हमको भूलना नहीं चाहिए कि किस तरीके से लोग और परिवार का जो है अहित हुआ और कितने लोग की मृत्यु हुई। तो एक सावधानी बरतते हुए ये कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया है कि किसी को कोई असुविधा हो रही हो, बुखार हो रहा हो, जिससे थर्मल स्कैनिंग से उनका टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है, कहीं ड्यूटी समय पाया जा रहा है कि किसी को हल्का सा अनईजी टाइप हो रहा है तो उनको वहाँ से हटाया जा रहा है, मास्क एक सिम्बॉलिकली बांटे जा रहे हैं। ये एक अवेयरनेस है कि भाई आप भी कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करिए और उसके तहत अपनी ज़िंदगी अपने जीविका को आगे बढ़ाइए। फिलहाल सर का कहना यह है कि यहाँ पे सभी तरीके से जो है व्यवस्था जो है वो की गई है, हेल्प डेस्क तैयार किए गए हैं, कोविड जो बी एफ ए लगातार जो कोविड बढ़ रहा है उसके मद्देनज़र यहाँ पे जगह जगह पे जो है हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, कोविड 19 हेल्प डेस्क। और सर का ये भी कहना है कि हमारी जो टीम है वो पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पे जो है वो लगी हुई है, किसी तरीके से यहाँ पे लोगों की जो है समस्या यहाँ पे नहीं है। सिविल डिफेंस के ये अधिकारी हैं, उनसे जानकारी लेने के बाद ये दरअसल पता चला कि ये जो यहाँ पे जो व्यवस्था है वो काफ़ी हद तक सही दिखी है। कैमरा पर्सन रविंद्र के साथ मैं अनिश कुमार, एके न्यूज प्रयागराज।